अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं, जो भी अरदास करते हैं, जो भी सुख रखते हैं, सब पूरी हो जाती है। ये द्वापर युग से है और इसकी जो है कम से कम 12 शाखाएं थी जो फैलती जा रही है। जे तुसी टाणा भी चकोगे थोड़ा नुकसान है। अच्छा, पत्ता भी नहीं चक सकते। पत्ता भी नहीं चक सकते। ਬੰਦਾ ਬੜਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢੀ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਬਸ। ਵੱਢਦਾ ਟੁੱਕਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। गल हो रही है पंजाब विच सदियां पुराने बरगद दे दरखत दी, जो फतेहगढ़ साहिब दे चोटली पिंड विच है। बरोटी दा ए रुख जिन्ना विशाल है उन्ना ही रहस्यमय भी है। रहस्यमय इसलिए क्योंकि इस विशाल रुख नाल कई रहस्य भरियां कहानियां ते मिथा जुड़ियां होईयां ने। करीब 2 किलियां तो वध जगह विच फैले इस रुख नाल लोकां दीआं भावनावां जुड़ियां होईआं ने। लोक इस नूं पूजदे ने, इस जगह उत्ते यज्ञ हुंदे ने, भंडारे चलदे ने। दरखत दी सांभ संभाल करन वाले महंत बलविंदर गिरी मुताबक इह दरखत द्वापर युग दा है, जिस दीआं शाखावां लगातार वधदीआं जा रहीआं ने। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਸ਼ਾਖਾਏ ਥੀ ਜੋ ਫੈਲਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਯਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ, जो भी अरदास करते हैं, जो भी सुख रखते हैं, सब पूरी हो जाती है। तकरीबन 4 एकड़ में फैली हुई है। बाबा जी धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। पहले इसकी यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसकी 2 शाखाएं थी, 2 से आगे 12 में हुई, 12 से अभी 24 में हो चुकी है। अभी धीरे धीरे आगे और फैलता ही चला जा रहा है। बहुत घटनाएं हुई हैं, अगर किसी ने इसकी टहनी तोड़ी है या कुछ भी ऐसा किया है तो उसका नुकसान करती भी है। बाकी अगर अपनी मन से कोई इसकी इच्छा रख ले है, उसकी इच्छा पूर्ति भी करती है। यहाँ पर कम से कम 4-5 प्रोग्राम हो जाते हैं। बाकी संगतों का रहा, आसपास के लोकल लोग जो है आते रहते हैं और थोड़े इधर हम कुछ भगत है कि जो कर जाते हैं थोड़ी बहुत सेवा। सरकार से तो एक यही मांग है, जितना इसका नुकसान हो रहा है ना, जिस तरह इसके टाने टूटते हैं, हमें दर्द उठता है और इस पे जो एक ग्लो बेल है, ये ग्लो बेल इसको खासा नुकसान पहुंचा रही है। इसके जकड़ देती है और टूट जाता है टाणा। इतने टाणे अभी पिछले साल कई टाणे टूट के गिर चुके हैं। अभी 3 साल पहले आए थे, करके गए थे, डीसी वगैरह ये सब आए थे, इन्होंने पता नहीं अपनी तरफ से क्या किया क्या नहीं किया। हमको बोलते रहे कि हम लोग ये कर देंगे, यहाँ पे ऐसा वो करेंगे, पर अभी तक कोई सुधार नहीं किया। इस दरखत दे एक ऋषि नाल मिथ भी जुड़ी हुई है, जिसने इस जगह उत्ते पक्ति की थी ते उसकी पपूती तो ए बरोटी दा रुख पनपिया। पहला इत्थे कुछ नहीं सी हुंदा, इत्थे एक जिहड़ा किसान है ओ किसान अपने खेत दे विच बाही करदा सी, उहदे औलाद नहीं सी हुंदी और ओ औलाद इत्थे कोई इक साध जिहड़ा आके उत्थे बैठिया, ओ तप कर रिहा सी और उस साध दे कोल जाके वह जिहड़ा उत्थे दा किसान सी उहदे कोल गया और उत्थों धूणियां तो उन्हें जिहड़ी चुटकी चक के सवाह दी उन्हूं दित्ती कि अपनी जिहड़ी घरदिआं नूं जाके तूं इह सवाह दी चुटकी दुध दे विच पा के मिला दी, तेरे औलाद हो जाएगी। पर वह जिहड़ी उहदी घरवाली आ उह इस गल नूं मन्नी नहीं और दूसरे दिन उन्हें उत्थे आ के जिहड़ी सवाह दी चुटकी है उस धूणी के उत्ते सुट्टी। उत्थे जिहड़ी बरोटी दा दरख्त जो सुन च आया कि इह दरख्त उत्थे पैदा होया और ये दरख्त जिमें उसका उस इंसान का परिवार बदना से उस तरीके जोड़ा ये बरोटी का दरख्त है वह बद रहा है और लगभग आले दुआले जिन्हें खेतों चू जा रहा है, चाहे वह सड़क वाले पास में जा रहा, चाहे किसी रस्ते वाले पास में जा रहा, चाहे किसी की किसान की जमीन वालू जा रहा, तो लोग उस तरीके जी जगह आले दुआले छट रहे हैं।
और ता कि जो जिते दरख्त बढ़े और जे कोई कटदा भी वह भी जो उस पिंड आम तौर पर लोगों वालों ये दसा जाता भी इतना परिवार का नुकसान हो जाता है। होर तो होर लगातार बढ़ रहे इस बरगद के रुख न कोई भी किसान अपनी जमीन अगे वधन तो नहीं रोकता, बल्कि जिथों तक इस दिया टाणिया या जड़ा पहुंचिया ने किसान खुशी नाल ओनी जमीन छड़ दिंदे ने। लोग भुल के भी इस दरखत नू छेड़दे नहीं, इस दिया आपे टुटिया लकड़ा भी सिर्फ लंगर लई ही वरतियां जांदियां ने। भी शुरू तो इदा ही है जी, इधर बढ़ रही है बढ़ रही है तो है ये बहुत पुरानी है, पता नहीं किन्ने सौ साल पुरानी हो गई। ये कम से कम होगी छः सत्त एकड़ च। अच्छा हाँ जी। अच्छा फिर किसान जगह छड़ दिंदा जी अपनी। अच्छा जिनी जगह च आ जाती है वो होर पिछे हो जाता, होर पिछे वट कर लगा अपनी बस बढ़ता डुकदा कोई नहीं। बाकी जो कोई गलती नाल करता तो नुकसान होंगे जी। की इदा लगे हमको पता हो जाता जी नुकसान, इसी करके लोग पढ़ते हैं। फिर जी लकड़ वगैरह यदि कोई वरतू नहीं करता जी, इतने ही बस जो कोई कि लंगर है कोई कुछ है इतने ही वट वुट लें उदा नहीं कोई बाहर। पिंड वासियों की मनीये तो जिस किसी ने भी इस दरखत की लकड़ नू वड़न की कोशिश की उसनू मौत ही मिली। होर ता होर कोई इस रुख का पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। अजिहा नहीं कि इस दरखत का रहस्य जानने लई इत्थे तर्कशील नहीं आए, पर जो भी आया बेरंग ही परत्या। बंदा बढ़ रहा मर जाता। अच्छा वही घटना है जी। दो बंदे ने बढ़ी आ, दो बंदे मर गए। एक तो वह बंदा बैठा जो बंदा बाबा था, एक जमीन बेच के चले गए हमारा जी घर है। बाकी उन्हें बड़ी थी पुराने जो लोग दसते हैं वो मर गया। तुम टाणा भी चकोगे थोड़ा नुकसान। तर्कशील वाले भी आए, उन्होंने भी इतने उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा सजा भुगतनी पी, इतों छड़ के चले गए ना सानू कुछ दस्या। तो निकलना की सी, एक हिस्टोरीकल दरख्त वो हैगा है, पुरातन जगह है, इस नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, धार्मिक स्थान है, सानू इन्नी गल दा ही पता जिवें बजुर्ग दसदे आ रहे हैं, असीं भी इस चीज़ की मानता करदे। इस बरगद की गोद विच कई पशु पंछियों का बसेरा है, जहरीले सप भी बहुत ने, पर इन्हां ने कदे किसी का कोई नुकसान नहीं किया। पिंड वासियों मुताबक कई टीमां इत्थों दा दौरा कर चुकियां ने, पर किसी ने इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की। दूरों नेड़ियों कई लोग इस विशाल बरोटी नूं वेखण लई आउंदे ने। लोगों ने इस जगह नूं टूरिज्म वजों विकसित करन दी मांग की है। एक पंजाब सरकार वालों मैक्सीपा तो एक इंजीनियर आए थे हर महेंद्र सिंह, उन्होंने साड़ी टाक हुई मीटिंग में तो उन्होंने मैं उन्होंने इस बारे दसिया कि हिस्टोरिकली ट्रीज हैगा साडे पिंड इन्ने सौ साल पुराना है, तो दो एकड़ चू फिर फैलिया होया, तो उसके बारे दसिया तो उन्होंने इनू एक हिस्टोरिकल दरख्त के स्कीम के अधीन लिया भी, जिस कारण इनू कोई भी बंदा पंजाब सरकार की मंजूरी तो बिना कट नहीं सकता, तो ना ही ये कोई छेड़छाड़ कर सकता। तो असी जिला प्रशासन को बेनती करांगे इनू एक टूरिज्म के तौर पर विकसित किया जाए। कहा यह भी चाहता है कि इस दरखत दी टहनियां दी राखी जहरीले सप करते ने। यह सब अंधविश्वास है या आस्था या फिर अणसुलझिया रहस, इस बारे जगबाणी कोई टिप्पणी नहीं करता, पर यह भी सच है कि कई किल्लियां विच फैलिया ए बरगद दा रुख अपने आप विच कई रहस्य समेटी बैठा है। फतेहगढ़ साहब तो विपन बीजा, जगबाणी टीवी।